बड़ी खबर और बड़ी खबर है बागपत की तीनों सीटों पर चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और नतीजे क्या रहे ये भी जल्दी से बताते हैं। बागपत की तीनों सीटों पर चुनावी नतीजे की घोषणा हो चुकी है। तीन में से दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है, तीन में से दो सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बागपत की बड़ौद सीट से भारतीय जनता पार्टी के पी मलिक जीत चुके हैं, ये बड़ी जानकारी दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें साफ हो रही है। देखिए कहां पर कौन जीत रहा है लगातार हम बता रहे हैं। हमारे साथ अवधेश जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका लंबा अनुभव है। अवधेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी पिंडरा सीट को लेकर वहां से अजय राय हार चुके कांग्रेस के, किस तरीके से इसको देखते हैं? माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए। जब सारा रिजल्ट एक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, जब लड़ाई दो ध्रुवीय हो गई है, तो उसमें अलग अलग सीटों पर कुछ सीटों के लिए तो एनालिसिस अलग अलग होता है, लेकिन एक संपूर्ण राज्य की दृष्टि से जो मुद्दे हैं, जो मतदाता का मनोविज्ञान है, जो उम्मीदवार है, जो नेतृत्व है, उन सबको मिला के एक ही कारक लागू होता है पूरे उत्तर प्रदेश में। एक तो साफ हो गया कि राजनीति इस बार दो ध्रुवीय थी, जिसको भाजपा को हराना था उस सब ने एक साथ सामूहिक रूप से एक मुस्त होकर के सपा के पक्ष में वोट दिया, उसके समानांतर जिनको बीजेपी को देना था वो दूसरी ओर आ गए। सवाल और, अखिलेश यादव से कहां पर चूक रह गई? अखिलेश यादव कहां पर चूक गए सर? नहीं, अखिलेश यादव के चूक का केवल चुनाव में सरलीकरण ठीक नहीं होगा। विपक्ष के नेता के नाते पांच वर्षों तक अखिलेश ने क्या भाजपा के विरुद्ध कोई आंदोलन किया? धामी उत्तराखंड से अवधेश जी, ये उत्तराखंड के विजुअल है जहाँ पर हरीश धामी की तस्वीरें आ रही है, कहाँ पर हरीश धामी चूक गए? नहीं, हरीश रावत क्या करेंगे, पार्टी जब सेंटर से लेके स्टेट तक अंतर कलह का शिकार है। हरीश रावत तो पिथौरागढ़ से, माफ कीजिएगा, हरीश धामी पिथौरागढ़ से, पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आ रही थी। पुष्कर सिंह धामी कहाँ पर चूक गए, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हुआ? नहीं नहीं, पुष्कर सिंह धामी, अब ये तो एनालिसिस करना पड़ेगा वोट कितने आए, लेकिन वो जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में ही थोड़ा किसी कानून विरोधी आंदोलन का थोड़ा प्रभाव था। ये संभव है कि जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ आंदोलन से जुड़े लोग सक्रिय थे, बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो कर नहीं पाए, वो थोड़ी सफलता वहाँ मिल गई होगी स्थानीय समीकरणों से। और चूंकि पुष्कर सिंह धामी ने कई लोगों को पीछे छोड़ करके मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो पार्टी के अंदर भी थोड़े थे कि इनको हराओ, तो वो सब। लेकिन खटीमा के लोगों ने क्या देखा सर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है हार का, जल्दी संक्षिप्त में? नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर उसमें मुझे ये लग रहा है कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी के लोग पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में एक बड़ा वर्ग जो था शायद नहीं था वहाँ, जनता ने विरोध में वोट नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी को आकलन करने की जरूरत होगी और हाईकमान भी इसको लेकर आकलन करेगा, क्योंकि खटीमा सीट अपने आप में हॉट हो जाती है जब मुख्यमंत्री वहां से खुद दावेदारी करते हैं, लेकिन जब अपनी सीट नहीं बचा पाए तो कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का होगा कौन।